देवभूमि में चारधाम यात्रा शुरू होते ही धामी सरकार की व्यवस्था गड़बड़ा गई है। रिकॉर्ड तोड़ रजिस्ट्रेशन से पहले ही अंदाजा लगाया जा रहा था कि इस बार भक्तों का सैलाब चारधाम आने वाला है। हुआ भी ऐसा ही, यात्रा शुरू होते ही गंगोत्री और यमुनोत्री यात्रा मार्ग पर भीषण जाम लग गया। लोग घंटों जाम में फंसे रहे और बेहाल होते रहे। स्थिति इतनी ज्यादा गंभीर हो गई कि धामी सरकार को ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन 2 दिन के लिए रोकना पड़ा। रजिस्ट्रेशन काउंटर तो बंद हो गए, लेकिन रजिस्ट्रेशन सेंटर पर अभी भी भक्तों की भारी भीड़ जुटी है। ये वो लोग हैं जो दूर दूर से अपना रजिस्ट्रेशन कराने यहाँ आए थे। रजिस्ट्रेशन काउंटर के अचानक बंद होने से लोगों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन के इन बदहाल इंतजामों से लोग खासे नाराज दिख रहे हैं। पिछले कल परसों 3 दिन में यमुनोत्री गंगोत्री में काफी भीड़ बढ़ गई थी। पहले 2 दिन पहले यमुनोत्री बढ़ी, उसके बाद फिर जितने भी यात्री थे उनको, अधिकतर यात्रियों को हमने गंगोत्री, वहाँ जिला प्रशासन द्वारा गंगोत्री धाम के दर्शन कराए गए। अब स्थिति ये हो गई कि फिर जो नए यात्री थे वो वहाँ पहुँच गए, और मेन इश्यू है गाड़ियों का। गाड़ियाँ, इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ हो गई तो जैम की स्थिति बन गई। ऐसे स्थिति में उच्च स्तर पर ही निर्णय लिया गया कि आज और कल 2 दिन जो हमारे यहाँ से ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन हम लोग करते थे इसके सरद्वार से, वो बंद किए गए हैं। इस संबंध में आज हायर लेवल पे उच्च स्तरीय बैठक हुई है। जैसे ही वहाँ से दिशा निर्देश प्राप्त होता है उसके अकॉर्डिंगली फिर हम आपको रजिस्ट्रेशन कार्रवाई करेंगे। हम यात्रा केदारनाथ बद्रीनाथ फिर आगे गंगोत्री संगोत्री चारों धाम के लिए यहाँ आए हुए हैं, और 4 तारीख से यहाँ 12 तारीख से यहाँ पड़े हुए। तो ये लोग वहाँ चलाते हैं इधर से, ये तो गवर्नमेंट ऑफिस है या तो कर्मचारियों का काम है। आप लेटरिन नहीं जा सकते हो, बाथरूम नहीं जा सकते हो, हमारा वो रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा। रजिस्ट्रेशन न होने के कारण से केदारनाथ बद्रीनाथ के देरी से हम लिए नहीं। हरिद्वार और ऋषिकेश में चारधाम यात्रा ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए काउंटर बनाए गए। जो भक्त ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए वो काउंटर पर आकर रजिस्ट्रेशन करा रहे थे। देश के अलग अलग राज्यों से भक्त इन रजिस्ट्रेशन काउंटर पर जुटे थे। इन सेंटर्स पर सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक रजिस्ट्रेशन किए जा रहे थे। हर रोज भारी संख्या में लोग रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आ रहे थे। बुधवार को भी ऐसा ही हुआ। भक्तों की भारी भीड़ काउंटर खुलने से पहले ही सेंटर पर जमा हो गई। तब अचानक से पता चला कि 2 दिन तक रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। जानकारी न होने की वजह से काउंटर पर भक्तों की भारी भीड़ जुट चुकी थी। काउंटर नहीं खुलने की वजह से लोग परेशान नजर आए। इनमें बड़ी संख्या बुजुर्गों और महिलाओं की भी है। तस्वीरों में देखिए कैसे लोग फर्श पर बैठकर काउंटर खुलने का इंतजार कर रहे हैं। श्रद्धालुओं का ये भी आरोप है कि रजिस्ट्रेशन काउंटर के शौचालय पर ताला लगा दिया गया है, जिससे उन्हें खासी परेशानी हो रही है। 4 दिन से यहाँ से परेशानी आ रही है। हम 4 दिन यहाँ रुकेंगे, हम कितने दिन 4 दिन और रुकेंगे, कितना दिन रुकेंगे इसी केस में। हमारी समस्या तो ये है कि भाई गवर्नमेंट जल्दी से जल्दी सुनाई करे और जल्दी से जल्दी मैं मुसलमान करे। हरमन आगे केदारनाथ बद्रीनाथ गंगोत्री समोत्री सारे भेजे और सारी व्यवस्था सही है। देखिए जो विकलांग शौचालय हैं हमने उसे इसलिए बंद किया कि उनके जैसे ही विकलांग आए तो खुला हुआ मिले, तो हमारे कर्मचारी वहीं पे रहते हैं। जो सफाई कर्मचारी जो इस तरह के एक हर उसमें हमने लगा रखे हैं वो दाएं बाएं रहते हैं। जैसे ही कोई विकलांग आते हैं वहाँ पर तत्काल उनको खोल के खुल जाए, अदरवाइज हम उसको ओपन करें तो भी पैक मिलेगा। ऐसी स्थिति के विकलांगों की सुविधा के लिए हमने वो किया हुआ है। जैसे विकलांग आते हैं तो तत्काल जो सफाई कर्मचारी वहाँ होगा उसको खुलवा के उनको अंदर करें। ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन काउंटर खुलने के पहले दिन भी इसी तरह की अव्यवस्था देखने को मिली थी, जब एक साथ भक्तों की भारी भीड़ रजिस्ट्रेशन कराने काउंटर पर पहुंच गई थी। अचानक 2 दिन के लिए ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन बंद होने के चलते यात्री बेहद परेशान हैं। काउंटर खुलने के इंतजार में किसी तरह समय बिता रहे हैं। एक तरफ चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं में खामियों का अंबार है, तो दूसरी तरफ रजिस्ट्रेशन काउंटर का भी ऐसा ही हाल है। चारधाम यात्रा के लिए अभी तक 26 लाख से ज्यादा श्रद्धालु रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। यह आंकड़ा हर दिन तेजी से बढ़ रहा है। भक्तों के सैलाब में धामी सरकार के इंतजाम नाकाफी साबित हुए हैं। हालातों को देखकर यही लगता है कि धामी सरकार चारधाम यात्रा की तैयारियों में चूक गई है, जिसका खामियाजा अब उत्तराखंड आ रहे भक्तों को उठाना पड़ रहा है। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।